New day, new vlog. So good morning guys. So wishing you and your family a very happy Dashera guys. आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा 9 दिन 9 ब्लॉग का चैलेंज जो है वो खत्म हो चुका था। आज ब्लॉग करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर आज दशहरा था भाई। आज दशहरा, आज ब्लॉग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम में मैंने दशहरे के दिन ब्लॉग किया था एंड उससे पहले के साल भी दशहरा में ब्लॉग किया था। तो सोचा कि इस साल क्यों मिस करते हैं, अगर 9 दिन 9 ब्लॉग का चैलेंज किया जाए, 10 दिन 10 ब्लॉग कर देते हैं उसको। ये ब्लॉग आज के एक दिन एक्सटेंड हुआ है। आप लोगों को ये नवरात्रि का सीरीज कैसे लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेली ब्लॉग्स कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे को कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए भी या नहीं। मतलब आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट्स आएंगे कि भाई आप लोगों को डेली ब्लॉग्स देखना पसंद है, अभी मिनिमम तो 50-100 लोग तो देखते ही है ना, 50-100 भी कमेंट अगर आ गए कि भाई डेली ब्लॉग्स चाहिए हमको, रोज देखना है आपको, हम बोर नहीं हो रहे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, तो अपन डेली ब्लॉग्स के बारे में सोचेंगे। या तो ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे मैं पहले करता था। तो वो सब आपके ऊपर अभी डिपेंड करेगा कि मैं अभी डेली ब्लॉग्स करूँगा या नहीं करूँगा, ये ऑल्टरनेट डेज ब्लॉग करूँगा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम लोग उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। सो विदाउट फर अडू लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एनावी। आज दशहरा का दिन है, आज बुराई पे अच्छाई की जीत है और अपन उठ चुके हैं सुबह सुबह, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत हो चुकी है। 5:30 बजे सो के 10:30 बजे उठ गया था मैं। यूजुअली अगर 5:30 बजे सोता हूँ तो 2-3 बजे के पहले नहीं उठता हूँ। आज दशहरा है तो हमको उठना ही है, बाइक लेके जाना है, स्कूटी लेके जाना है, दोनों को धुलाना है, दोनों को धुला के लेके आना है, पूजा वगैरह करना है, तो वो सब काम पहले करेंगे अभी घर पे। एक्चुअली सब लोग, मतलब मैं सुबह सोते वक्त, मतलब 5 बजे सुबह में जब घर के अंदर आया, मम्मी ऑलरेडी उठ चुकी थी खाना वाना बनाने के लिए, मतलब घर वाले उठ चुके थे तभी मैं सोने जा रहा था, तो लेट हो गया था। तो वो लोगों ने अपना तैयारी करके रखा है, मैं अपना तैयारी कर लूंगा एंड फटाफट ये ब्लॉग को करेंगे स्टार्ट। बाहर जाके देखते हैं सीन कैसा है। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। अच्छा सुबह सुबह का नाश्ता है क्या? क्या है? मेंदू वड़ा। अभी मेंदू वड़ा खाएगा तो खाना कैसे खाऊंगा, एक दो ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। हैप्पी दशहरा। हमारे व्यूअर्स को भी हैप्पी दशहरा बोल दो, सब सबको हैप्पी दशहरा बोलो, सब लोग को हैप्पी दशहरा, सब लोग हैप्पी दशहरा बोलो पापा, सबको हैप्पी दशहरा, सब लोग हैप्पी दशहरा। सज गया पापा मंदिर? सज गया क्या मंदिर? हो रहा है, बाहर गेट सजाएगा नहीं हमारा? ओ गेट तो सज गया है भाई। ये देखो पूजा तो हुआ नहीं, विजयदशमी का शुभ काम हो। पूजा हो गया, घर का पूजा हो गया, घर का पूजा तो हो गया, सब गाड़ी का पूजा करना पड़ेगा ना पापा, गाड़ी धुल के लाता हूँ। तो निकलते हैं फटफट और जाके थोड़ा अपन गाड़ी धुलवा के आते हैं, स्कूटी धुलवाते हैं, बाइक धुलवाते हैं। अब मेरा बाइक तो एक्चुअली धुला हुआ है, 2-4 दिन पहले धुलवाया था, मगर स्कूटी नहीं धुलवाया अभी तक। क्या ही धूप है यार आज, भयंकर धूप। पहले इसको धुल देता हूँ यार, पहले स्कूटी लेके जाता हूँ धुलने के लिए, अभी मिल जाएगा धुलने वाला तो बहुत सही हो जाएगा। मिल तो जाना चाहिए मगर अभी देखते हैं। ये लो लग गई गाड़ी स्कूटी स्टैंड पे, ये देखो उधर भी है गाड़ी धुलने वाला। इतना भीड़ है आज के, पानी खत्म हो गया, फिर आगे भी एक बार बहुत भीड़ है वहाँ पे, तो कम से कम इधर धुल जाएगा फटफट। हेलो भैया, ये स्कूटी तो धुल गया, जाता हूँ बाइक लेके आता हूँ, मगर इसको छोड़ना पड़ेगा फिर बाइक लेके आना पड़ेगा, डबल डबल काम। फाइनली मेरा बाइक लग गया धुलने के लिए, कैसे धुलेगा इतना चुपका चुपका के लगाया भाई, दशहरा के पास नाम के लिए धुलना पड़ता है। ओ फाइनली धुल गया यार गाड़ी, ये लो रेडी भाई। क्या गर्मी है, जानलेवा गर्मी है यार, बाहर तो बाहर नहीं निकल सकते, दोपहर को नहीं निकलना चाहिए बाहर यार, बहुत गर्मी है। गाड़ी धुलने में इतना टाइम लग गया कि इन लोग खाना खाने भी पड़ गया, अभी मेरे को अकेले बैठ के खाना पड़ेगा आज,
दशहरे में। तो भाई आज का खाना, आज मैंने मेहमान है नया मेहमान के साथ में खाना, इन्होंने तो खाना खा लिया यार। आज का खाना पत्ते पे होएगा, खाना ना खाते यार आज। क्या क्या आइटम है? पत्ता बहुत बड़ा दिया मम्मी ने, मगर इससे बड़ा पत्ता देता देता तो अच्छा रहता। आज ही वेज, आज ही वेज। पराठे का 9 दिन वेज नहीं, 10 दिन होता है। दशहरा को भी वेज ही खाना पड़ता है। कोई कोई खाते है ना? मैं तो खाएगा रात को अभी। क्या? नॉन वेज। रात को ये हो गया तो नॉन वेज खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों गाड़ी का हो गया है, धुलाई का काम, पूजा काम चालू है। पूजा का काम पप्पा का, हमारा नहीं है। नेपाल में नहीं करते, मैं कार भी नहीं डालते कुछ भी। मेरे इसमें डाला था एक बार पिछले साल, टीका ही का लगा के, मगर हम लोग गाड़ी वाड़ी को कुछ नहीं करते। करो अपना भी इधर करते। फाइनली हो गया, पूजा हो गया। पप्पा ने इसको फुल जोकर बना दिया है, इसको ये अच्छा दिख रहा है। वो तो कैसा भी बन गया यार, मगर ठीक है फिलहाल के लिए। अभी वैसे भी शाम तक ये रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। बाइक और स्कूटी दोनों को लेके आके पार्किंग में लगा दूंगा, खुला यहाँ पे छोड़ूंगा, धूप में तो दिक्कत है, तो उससे अच्छा पार्किंग में दोनों लगा देता हूँ। कम से कम धूला है तो धूला जैसा रहेगा एक दिन। कल देखो ना किसने इधर, ऐसे लोग हैं ना लोग इधर, खाके नहीं रखा है। आलू सेव का पैकेट इसके अंदर, आलू सेव भी है इसके अंदर डाल के रखा है, खाते खाते रख दिया रखता है। लोगों को क्या बोले बोलो, इसके अंदर डाल के रखते हैं। आलू सेव डालने का जगह है क्या? मगर इसके लिए इसको लगी आता हूँ तो सब ये निपटाता हूँ, घर पे आके मिलता हूँ आपको। एडिट भी करना है, 9 दिन का 9वां ब्लॉग, लास्ट ब्लॉग आज आएगा, अपलोड होगा, जो मैं एडिट कर रहा हूँ अभी। मतलब जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि शाम को देवी का विसर्जन है, विसर्जन में भी जाना है। एक्चुअली भंडारे में जाने का है मेरे को, मगर कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, इधर काम ही खत्म नहीं हो रहा अपना। और बार ना है कुछ देवी इधर हूँ मैं, नीचे आ ना, कारपेट डाले घास के ऊपर, देवी बिठा है इन्होंने। कैसे देवी बिठा सकते आज? नहीं आया, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। देवी सबका जा रहा है, देवी बिठा रहा है दशहरे के दिन। आज ना एडिट करते करते मेरी बैंड बज गई, देखो मेरा चेहरा देख लो, नींद आके ना ऐसा नींद आ रहा है मेरे को। बहुत टाइम लगे एडिट करने में और इसको एक्सपोर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं भंडारा के यहाँ पे भी नहीं जा पाया, पता है कि देवी के यहाँ पे भंडारा था, आज जा भी नहीं पाया। दूर से देखा इतना भीड़ था, मेरे को लगा अभी जाऊंगा ना तो मेरा एडिट नहीं। 9 दिन 9 ब्लॉग वाला लास्ट का ब्लॉग मेरा रुक जाएगा, इसीलिए फिर मैं नहीं गया यार। सॉरी, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अभी ये कमिट कर दिया था, माँ मान जाएगी, तुम लोग मानते नहीं हो ना। फाइनली रेडी हो गया, सदरा पहन लिया, ये सदरा पहन के चले आऊँगा। आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह से इतना मैसेजेस आया ना मेरे को, इतना मैसेजेस, मगर एक का भी रिप्लाई नहीं किया मैंने, टाइम ही नहीं रिप्लाई करने को। व्हाट्सएप करने घुसूंगा ना आधा घंटा जाएगा, आधा घंटा है ही नहीं। खाता हूँ यार, कुछ खाया नहीं जब से, भूख लग रही है पर खाता हूँ एक बिस्किट और निकलता हूँ तुरंत। वहाँ पे काम चालू हो गया भाई, विसर्जन का काम चालू हो गया है। आज गाड़ी लेके पब्लिक, क्या बोलते हैं पब्लिक, रुक रुक डर लगा लो। कल सीन क्या आ गया मालूम क्या? वो 360 शॉट लिया ना ऊपर चढ़ के, वो आया ही नहीं। क्या बात कर रहा है? सही में मतलब घुमा के मैं इतना चेयर के ऊपर चढ़ के पब्लिक जमा करके इतना नाचे, अपन शॉट ही नहीं आया 360 में यार। मतलब एक भी अच्छा नहीं आया उसका कुछ भी, वो मेरा वाला नहीं आया, तेरा तो आ गया। मेरा आया मेरा नहीं आया, इसका तो आ गया है। क्या बोलते बोलते एडिट में मेरा दिमाग खराब हो गया, अपने दिल भाई का शॉट नहीं आया। और वो कितने दिन से मैं वेट कर रहा था शॉट का, पहले दिन से कि मैं जाऊंगा लास्ट दिन में चढ़ूंगा चेयर के ऊपर और शॉट लूंगा। तू चेयर घुमा रहा था वो नहीं आया? नहीं सीन ही हो गया यार सीन। क्या बोलते पब्लिक, वाट लगा दिए ले। अभी एडिट कर रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया, एक तो नींद आ रही है, शॉट नहीं मिल रहा, ढूंढ रहा पूरी रात सोए भी नहीं हम लोग, पूरी रात नहीं। तू भी हाथ लगा यार, उठाने के लिए नहीं रहेगा तुम्हें। ए दिल भाई चढ़ ऊपर, सब लोग मत ऊपर जाओ, सिर्फ 4-5 लोग ही ऊपर रुको, बाकी के नीचे आ जाओ।
पीछे जाओ पीछे जाओ। वाली माता की जय, माता की जय। पीछे भी हाथ लगाओ। पीछे देखो जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव चंदनाची ऊटी कुमकुम के चरा हीरे जटा मुकुट शोभा। विसर्जन का टाइम हो चुका है भाई, बहुत गया हम लोग, यही पे विसर्जन होएगा अंदर। फिलहाल सब हो रहा है कार्यक्रम। अरे हिमांशु, हिमांशु भी आया साथ में यार। ऊपर ही था जाने का लगता है। आगे
जोर से बोलो मोबाइल तो ना तू जेलो ऑर्डर लगा दे मग जाएगल फाइनली जिंदगी में पहली बार ऐसा विसर्जन हुआ है जिनने पहली बार मतलब मैं खुद जाके विसर्जन करके आया इतने बड़े मूर्ति का मतलब हम लोग साथ में गए मगर सोचा नहीं था मैंने मैं ये सोच के नहीं आया था कि पानी में जाऊंगा मगर मैं गणपति के विसर्जन में गया हूँ ऊपर से डुबा के आ गया था रिटर्न ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि पानी के अंदर जाके विसर्जन किया मतलब ये प्रॉपर विसर्जन हो गया अपने से आज ये वीडियो को एंड करने का भी टाइम आ चुका है अभी और कुछ नहीं अभी जाएंगे हम लोग तो एक्चुअली बाहर निकलना था थोड़ा अभी मैं तो पूरा भीग चुका हूँ पानी में आके घर जाऊँगा फ्रेश होऊंगा और या तो सो जाऊँगा तो बाहर निकलूंगा तो एनीवेज गाइस इट इज टाइम टू एंड दिस व्लॉग आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू इनवाइट एंड मच चाहते रहो चलो गाइस बाय टेक केयर मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में बाय।